स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी को याद कर प्रथम जयंती सेवा दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने वृद्धा आश्रम में फल वितरण कर मनाया। पूर्व विधायक वैशाली नगर स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के प्रथम जयंती सेवा दिवस के रूप में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मदर टेरेसा वृद्धा आश्रम शांति नगर भिलाई में फल बांटकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के पुत्र संदीप निरंकारी ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी का इस आश्रम से दिल्ली लगाव था। वे हमेशा यहां आते रहते और यहां मौजूद वृद्धजनों का हालचाल पूछा करते थे और उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती उनकी जरूरतों को वो हमेशा पूरा करते थे। कार्यक्रम के आयोजक संजीव चक्रवर्ती ने बताया कि वह हर वर्ष मदर टेरेसा आश्रम में बुजुर्गों को फलदान किया करते। स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी को याद कर प्रथम जयंती सेवा दिवस के रूप में इस वर्ष भी आश्रम के बुजुर्गों को फल बांटा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। बाबू जी की जयंती प्रथम जयंती जो हमारे बीच में नहीं जो वो शरीर करके समस्त कांग्रेस जन पूरे क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते थे और उसी प्रकार से आज सारे क्षेत्र के कांग्रेस जन उनकी जयंती को उनको याद करके मना रहे हैं। और यहाँ मदर टेरेसा आश्रम में वो कहीं जाएं ना जाएं लेकिन वो मदर टेरेसा आश्रम में यहाँ पे फल वितरण करने और चीज़ों का वितरण करके वो यहाँ के लोगों के बीच जो यहाँ वृद्धजन हैं विकलांग हैं और भी उनके बीच में वो मनाना पसंद करते थे और हर साल आते ही थे। और हमारे संजीव चक्रवर्ती जी हर साल इस मदर टेरेसा आश्रम में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते थे तो उन्होंने इस साल भी उनको याद करते हुए यहाँ पे फल वितरण का और बाकी साध्य सामग्री वितरण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें सारे कांग्रेस जन जो उनको चाहते थे जो उनको मोहब्बत करते थे वो सारे यहाँ के उनको याद कर रहे हैं। पिता के तौर पे तो वो मेरे मार्गदर्शक भी थे और उनके बताए हुए रास्तों पे चलना ये हमारा फर्ज भी है, क्योंकि उन्होंने उनका सारा जीवन जो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो चाहे पारिवारिक रहा हो चाहे आध्यात्मिक रहा हो चाहे राजनीतिक रहा हो उन्होंने अपने सारे जीवन को हर फील्ड में बहुत शिद्दत से निभाया। राजनीति में थे तो पार्टी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहे, जितना पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते थे उन्होंने की। निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज थे, उसमें पूरा MP छत्तीसगढ़ आता था और धर्म के माध्यम से भी अध्यात्म के माध्यम से भी उन्होंने जितनी सेवा कर सकते थे किया। परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी निभाई, समाज में भी जहां जहां उनकी ज़रूरत पड़ी सामाजिक क्षेत्र में भी वो अग्रणी रहे। हम उनकी जयंती में बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए हुए रस्तों पर और बताए उनकी कई बातों का हम अपने जीवन में अमल कर सकें। और उन्होंने जो किया उसकी बराबरी तो खैर हम नहीं कर सकते पर उसका 10% 20% भी अगर हम फॉलो करना है तो हमें उस बात की बहुत खुशी। आदरणीय स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी का युवा प्रचार प्रथम जयंती के अवसर उनकी जयंती सेवा दिवस के रूप में हर वक्त हम मनाते आए हैं और उनकी सेवा भावना से प्रेरणा लेकर आज हम मदर टेरेसा आश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम रखते हैं। जिस भाव से उनकी सेवा भावना की परिकल्पना हम नहीं कर सकते, जो ने 24 घंटा दिन रात अपनी सेवा भावना की कोई सीमा नहीं है, उसकी सेवा भावना से पहले हम थोड़ी सी छोटी सी सेवा करके हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करें।